गुड इवनिंग क्लास 5th स्टूडेंट्स, वी हैव डन इन माय लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 6। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस योर नेक्स्ट चैप्टर इज 7, चैप्टर 7 फ्रैक्शन। सो वी विल डू दिस चैप्टर नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। यू ऑलरेडी नो व्हाट अ फ्रैक्शन इज। आप सब लोग पहले से जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। When something a whole is divided into equal parts, each part is called a fraction of the whole. When something, जब कोई चीज़ या पूरी कोई चीज़ is divided into equal parts, जब वो divided हो equal parts में, तो each part is called a fraction of the whole. तो हर एक part उसका fraction कहलाएगा, पूरे part का, पूरे का। All the fraction taken together make the whole. सभी फ्रैक्शन मिलकर बनाते हैं एक होल को। एज यू कैन सी दैट वन डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स, वन डिवाइडेड, वन पार्ट डिवाइडेड, थ्री इक्वल पार्ट्स। एज यू कैन सी दैट इस फिगर में एक होल के तीन इक्वल पार्ट्स हैं, थ्री वन थर्ड, वन अपॉन थर्ड। तो इसको वन अपॉन थर्ड बोल सकते हैं। वन अपॉन थर्ड ऑफ द सर्कल इज वाइट, वन अपॉन थर्ड सर्कल इज वाइट है, और टू अपॉन थर्ड इज कलर्ड, और टू अपॉन थर्ड इज कलर्ड है इसमें। एंड वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन, और वन अपॉन थ्री और थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री को मिलाकर होता है वन होल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री पार्ट्स आउट ऑफ सेवन इक्वल पार्ट्स, जब हम बात करते हैं थ्री पार्ट्स की जो सेवन इक्वल पार्ट्स में हैं, वी राइट इट एज द फ्रैक्शन थ्री अपॉन सेवन। तो हम उसे लिखेंगे फ्रैक्शन में थ्री अपॉन सेवन। द नंबर ऑन टॉप इज द न्यूमरेटर, जो टॉप में नंबर लिखा है उसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे। इट मीन्स थ्री इज अ न्यूमरेटर। एंड द नंबर एट द बॉटम इज द डिनोमिनेटर, और जो बॉटम में लिखा होगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो सेवन इसमें डिनोमिनेटर है। रिमेंबर दैट द डिवीजन ऑफ ए नंबर कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। याद रखें कि डिवीज़न जो है, किसी भी नंबर का डिवीज़न हम उसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे 9 डिवाइडेड बाय 1, 9 अपॉन 1, 32 डिवाइडेड बाय 3, 32 बाय 3, 101 डिवाइडेड बाय 4, 101 अपॉन 4। फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन और अ नंबर। अ पार्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ थिंग इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल कलेक्शन। 1 अपॉन 4 ऑफ द 16 बॉक्सेज आर वाइट। 1/4 ऑफ द बॉक्स 16 बॉक्सेज आर वाइट। ये टोटल बॉक्सेज हैं 16 स्टूडेंट्स। तो यहाँ 16 स्टूडेंट्स टोटल हैं, तो हम 16 को लिखेंगे नीचे 16। और 1, 2, 3, 4 फोर पार्ट इसमें वाइट हैं। तो अगर हमें वाइट वाले बॉक्सेज का फ्रैक्शन लिखना है तो 4/16 होता है, लेकिन अगर हम उसे रिड्यूस करें तो वो 1/4 आता है। तो 1/4 ऑफ द बॉक्सेज 16 आर वाइट। तो इसमें 1/4 बॉक्सेज जो हैं वो हैं वाइट। 1/4 ऑफ 16 इक्वल्स टू 4 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4। इट मींस 3/4 ऑफ द 16 बॉक्सेज आर कलर्ड। 3/4 बॉक्सेज जो हैं वो कलर्ड हैं। अब हम कलर्ड बॉक्सेज का अगर फ्रैक्शन निकालें तो हमें सबको कलर्ड को काउंट करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 अपॉन टोटल पार्ट है 16। सो 12 अपॉन 16 होता है कलर्ड बॉक्सेस का फ्रैक्शन, 12/16। और जब हम 12/16 को सॉल्व करते हैं तो वो आता है 3/4। सो 3 हम कह सकते हैं कि 3/4 ऑफ द 16 बॉक्सेस आर कलर्ड। सो 12 बॉक्सेस आर कलर्ड अगर इसे सॉल्व करें तो। फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ऐसे करके हम फ्रैक्शन ऑफ ए नंबर निकालते हैं। नाउ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम सीखेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2/7, 3/7, 5/7 एंड 6/7 आर लाइक फ्रैक्शन। ये सभी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम है। एज यू कैन सी दैट
फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शन, और जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 4/5, 3/4, 7/11, 12/9 आर अनलाइक फ्रैक्शन. एज यू कैन सी दैट ऑल द डिनोमिनेटर हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन. सो फर्स्ट यू रिमेंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो. स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. और जैसे फ्रैक्शन सच एज 1/2, 2/3 एंड 5/9 आर प्रॉपर फ्रैक्शन. ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से. 1/2, 2/3 और 5/9 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा, सॉरी हाँ डिनोमिनेटर बड़ा है. स्टूडेंट, जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं. फ्रैक्शन सच एज 2/2, 5/2 एंड 7/3 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इक्वल वाले, जो इक्वल हों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, वो भी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं. और जिनमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा हो, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं. अ फ्रैक्शन मेड अप अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ मिक्स फ्रैक्शन और ए मिक्सड नंबर. फ्रैक्शन सच एज 2 होल 1/2 एंड 4 होल 1/5 आर मिक्स फ्रैक्शन. जिसमें तीन नंबर ऐसे दिए हों वो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं. 2 होल 1/2 इक्वल्स टू द होल नंबर 2 एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2, जिसमें होल नंबर है 2 और 1/2 है प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्सड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्सड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2 होल 1/2 को, मिक्सड फ्रैक्शन को अगर हम इम्प्रॉपर में करना चाहें तो हमें इस डिनोमिनेटर का होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, देन जितना भी नंबर आता है उसमें हमें न्यूमरेटर को ऐड करना होगा. तो 2 2 जा 4 एर 1 5, 5/2 एंड 4 होल 1/5 को अगर हम इम्प्रॉपर बनाते हैं तो 5 4 जा 20, 20 एंड 1 21/5. दीज आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन अ मिक्सड फ्रैक्शन द होल नंबर पार्ट इज कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट. मिक्सड फ्रैक्शन में होल नंबर को, होल नंबर वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, एंड द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शन को कहते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट. लेट अस डिवाइड 7 स्वीट्स इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. चलो अब हम करके देखते हैं. 7 स्वीट्स को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, 7/2. 7 डिवाइडेड बाई 2 द क्वेश्चन इज 3 एंड द रिमाइंडर इज 1. तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमारा 3 निकलता है और रिमाइंडर 1 आता है. द रिमाइंडर 1 स्वीट्स डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स गिव्स 2 हेल्प्स. अब रिमाइंडर 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में तो वो हाफ आता है, 1/2. सो आफ्टर डिवीज़न ईच ऑफ द 2 पोर्शन हैज़ 3 एंड 1.5 स्वीट्स टुगेदर. सो 7/2 इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 एंड 1.5 टुगेदर इक्वल टू द मिक्स फ्रैक्शन 3 होल 1/2. नाउ क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंट. यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है कि डिविडेंट्स इक्वल्स टू होता है क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7. सो 3 होल 1/2 इक्वल्स टू होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 7/2. दिस इज हाउ वी चेंज बिटवीन मिक्सड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में बदलना. 23 डिवाइडेड बाई 6
क्वेश्चन है इसमें 3 एंड रिमाइंडर 5, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमारा 3 होल 5/6। सेम राइट 8 4/5 एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 8 होल 4/5 को यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में करना है। सॉरी स्टूडेंट, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में बनाना सीखा हमने, अब हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बनाना। जैसे एग्जांपल के लिए 8 होल 4/5 को हमें इम्प्रॉपर में करना है तो हमें 5 और 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, देन 4 उसमें ऐड करना होगा। 5 8 जा 40 एंड 4 44 44/5। सो ये इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 7A। थैंक यू।